छोड़ो न्यूज़पेपर, कितनी न्यूज पढ़ोगे? कभी अपनी बीवी को भी पढ़ लिया करो। बीवी की खबर तो 24 घंटे रखते हैं। ये लो चाय पियो। दुनिया में क्या हो रहा है उसकी खबर भी तो रखनी चाहिए ना। जल्दी चाय पीजिए, मुझे मायके भी जाना है और आपको स्टेशन भी छोड़ने आना है। हमें भी तो जाना ही पड़ेगा। आप भी मेरे साथ मायके आते ना तो अच्छा लगता। तुम जानती हो मैं तो चाहता था तुम्हारे साथ चलना, पर क्या करूं यार, ऑफिस का इतना काम पेंडिंग है कि हॉलीडे अप्रूव ही नहीं हुई। अभी तुम भले ही अकेली जा रही हो पर मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। सच्ची? हाँ भाई सच्ची। चाय कैसी बनी है? मिस करूंगा, इतनी अच्छी बनी है। सच में? हाँ भाई सच में। कहिए। वो क्या है कि मेरी ना यहाँ पे कार खराब हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी मदद ले लूँ। कैसी मदद? कहने में मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या मैं आज रात को आपके यहाँ पे रुक सकती हूँ? क्योंकि इतनी रात में मैं कार में रुकूंगी वो सेफ नहीं है, और मैकेनिक तो कोई आएगा भी नहीं। इतनी रात हो गई, जब तक सुबह नहीं हो जाती, तो क्या मैं आपके यहाँ पे रुक सकती हूँ? कोई बात नहीं, इट इज़ ओके, मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी। मैं कार में रुक जाती हूँ, कोई बात नहीं है। रुकिए जी। एक्चुअली क्या है कि मैं घर पे अकेला हूँ, मेरी वाइफ आज ही मायके गई है, और आप अकेली लड़की, मैं एक अकेला मर्द, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम आपने मुझे सच बताया। आप भले इंसान लग रहे हैं, पर मैं भी क्या करूं, ऐसे रात में रुकना कार में सेफ नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। आप आइए, अंदर आइए आप। पक्का जी? बट देखिए, मैं क्या है कि बारिश में पूरी तरीके से भीग चुकी हूँ, तो क्या मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ? हाँ, आगे से राइट में। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपको अपनी वाइफ के कपड़े दे दूँ, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली वैसे तो वो साड़ी पहनती है, लेकिन मैंने उसको एक बार एक वन पीस गिफ्ट किया था। अच्छा। और उसने वो पहना भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। जी जी। एक्सक्यूज मी मैम, ये कपड़े ले लीजिए। आप जी, आप दे दीजिए ना कपड़े। नहीं, आप मुझे मैम मत बोलिए, मेरा नाम निकी है। आप दे दीजिए ना कपड़े। आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। आप कहाँ है? दे दीजिए, मैं आपको हाथ दे रही हूँ। आप चेंज करके आ जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। ओके। चाय अच्छी है। वैसे आपको बहुत थैंक यू, आपने इतनी रात में मुझे अपने घर पे जगह दी रुकने के लिए। कोई भी हेल्प करता है, और खासकर स्पेशली जब कोई ऐसे फंसा हुआ हो तो। जी, मैं मॉर्निंग में मैकेनिक को बुला दूंगा और आपकी गाड़ी ठीक करवा दूंगा। दैट्स सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और हाँ, चाय बहुत अच्छी बनी है। मैं काम करता हूँ, आपके कपड़े ड्रायर पे डाल देता हूँ। हाँ जी, ओके। वैसे अगर आप बुरा ना माने, मैं एक बात पूछूं आपसे। हाँ पूछिए ना। आप ड्रिंक करते? जी,
पर क्यों? एक्चुअली क्या है कि भीगने के कारण ना मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ी सी ड्रिंक कर लेती तो मुझे थोड़ा ठीक लगता। हाँ, why not? मैं भी लेकर आता हूँ। अच्छी कभी-कभी पीता हूँ और डिनर करने से पहले ही पीता हूँ। अब मैं डिनर कर चुका हूँ। अच्छा। लेकिन आप लीजिए ना प्लीज। पर अच्छा नहीं लगता अगर आप साथ में होते तो। कोई बात नहीं। Are you okay? Huh? Huh? Are you okay? Yeah, I'm feeling okay. Yeah. तुमने मुझे बांधा क्यों है?
मजा आ रहा है ना? मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हें अपने घर में रखा, मैंने तुम्हें अपनी बीवी के कपड़े दिए, और तुम ऐसा ये कर रही हो? ये खोलो। अच्छा, खोलना है तो तुम्हारा फोन खोल लेते हैं ना, है ना निकल? क्या कर क्या रही हो तुम? मुझे खोलो। शिट, खोलना है ना? ये हो गया ना अनलॉक। करने क्या वाली हो मेरे साथ? पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करी और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? किसी को हेल्प करना कुछ जुर्म है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत ही अच्छी बात होती है, और आपने तो मेरी बहुत हेल्प की है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ निखिल कि मैं तुम्हारे साथ एक वीडियो बनाती हूँ, और वो भी पता है कैसा, एकदम रोमांटिक वाला। पागल हो गई हो क्या? प्लीज, तुम मेरे से ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या किया है? एक्चुअली क्या है ना निखिल, कि ये जो तुम्हें सजा मिल रही है ना, कि तुम्हें आज के लिए नहीं मिल रही, ये तुम्हारे बीते हुए कल के लिए मिल रही है। बीते हुए कल? हाँ, बीते हुए कल। मुझे मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही है। स्वीटी याद है? दोस्तों के साथ मिलकर मेरी बहन का अश्लील वीडियो बनाया था। कुछ याद नहीं है। पता है तुम्हें क्या हुआ मेरी बहन के साथ? मेरी बहन, जब तुमने इसके साथ ये कांड किया, मेरी बहन कहीं भूत दिखाने लायक नहीं रही, उसका रिश्ता होते होते रह गया। आज वो कहीं भी नहीं जाती, सदमे के मारे अपने घर में पड़ी रहती है, डर से किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। और मेरे पापा, हमारे पापा को उसी वक्त हार्ट अटैक आ गया था, तुम्हारी वजह से। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और तुम्हें क्या लगा कि तुम बहुत हंसी खुशी से रहोगे अपनी जिंदगी में? प्लीज छोड़ दो मुझे। दिन आ गया, अब मैं तुम्हारे साथ वही वीडियो बनाऊंगी, ऐसे रोमांटिक। उसके बाद वो वीडियो मैं हर जगह ट्रोल करूंगी, तुम्हारे सोशल मीडिया पे, तुम्हारी बीवी को दिखाऊंगी, तुम्हारे पिताजी को दिखाऊंगी। और उसमें क्या है ना कि बदनामी किसकी है? बदनामी तो तुम्हारी है, मेरा तो पीछे दिखेगा, ऐसे बैक दिखना किसे है? तुम्हें बहुत शौक था ना तुम्हें सोशल मीडिया पे आने का, तो लो आज वो दिन आ गया। सोशल मीडिया पे बनाएंगे हम एक प्यारा सा वीडियो, रोमांटिक सा। व्हाट यू से निखिल? हां बहुत हो गया ये, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, डालो खत्म, अब काम शुरू करें। प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे प्लीज। प्लीज छोड़ दो मुझे।
अच्छा हुआ श्रुति तुम आ गई। श्रुति ये सब झूठ है, तुम इसे विश्वास मत करो, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। श्रुति क्या सच है ये? श्रुति प्लीज मुझे बताया जा रहा है, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ और डिवोर्स का पेपर भेज दूंगी, उस पर साइन कर देना। नहीं श्रुति प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे नहीं सुनना है। श्रुति श्रुति मेरी बात समझो, ये सब मुझे फंसाया जा रहा है, इसमें से कुछ भी सच नहीं है श्रुति। बस सब खत्म। श्रुति प्लीज, श्रुति 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 प्लीज मेरी बात सुनो, श्रुति ये सब झूठ है, श्रुति ये सब झूठ है, ये सब मुझे फंसाया जा रहा है। श्रुति प्लीज रुको रुको क्यों करूंगा स्वीटी के साथ ये? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों कुछ करता स्वीटी के साथ? मैं तो उससे प्यार करता था, मैं तो फेयरवेल वाले दिन पहुंचा भी लेता, जब तक मैं पहुंच गया था तब तक तो सब पहुंच चुका था। मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया।